असल नाजीन, आप देख रहे हैं वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज होने वाली है, जिसके लिए न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने उनके 15 रुकनी स्कोर का अनाउंसमेंट कर दिया है। काफी एक नए चेहरे नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम में, नो डाउट कुछ पुराने भी हैं, लेकिन मेनली जो उनका कोर लॉट है वो इस टीम में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त आईपीएल भी चल रहा है तो उनके मेन प्लेयर्स वहां पे बिजी हैं। लेकिन देखें, लीग क्रिकेट में उन्होंने अपने सबसे मेन प्लेयर को भेजा, दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन केन विलियमसन, और वो पहले ही मैच में इंजर्ड हो गया और उनका नी इंजरी हो गई है, अब उनकी सर्जरी होगी। और कहा जा रहा है मुसद्दका इत्तला'आत के मुताबिक, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक, अब वो शायद 2023 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें एक्शन में नजर नहीं आएंगे। तो देखें, ये लीग क्रिकेट में जाएं जरूर। मैं रिसेंटली शाहीन चौधरी और हारिस सोफ के मुतालिक भी कह रहा था कि लीग क्रिकेट में खेलना जरूरी है, आपको एक्सपोजर मिलता है और देन फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो जाती है, लेकिन आपको अपने आप को भी मेंटेन रखना है, अपने आप को भी बचा रखना है नेशनल ड्यूटी के लिए। अब देखें, अगर न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो देन कितना बड़ा ये नुकसान है न्यूजीलैंड की टीम के लिए, जो कि 2019 की टीम में उनके कप्तान थे। उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उन्होंने टीम को जितवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, लेकिन अब अगर केन विलियमसन की उनकी तरफ से नहीं खेलेंगे तो देन न्यूजीलैंड विल फेस अ बैकलैश। लेकिन अगर जो ओडीआई सीरीज के लिए उनकी टीम अनाउंस की गई है, जो पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, उस पर अगर बात करें तो टॉम लैथम कप्तान है, टॉम लैथम T20 टीम के भी कप्तान है और उनके काफी सीनियर प्लेयर हैं, तो उन्हें कप्तान मुकर्रर किया गया। देन जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था उस टीम के 6 प्लेयर्स इस स्क्वाड में मौजूद हैं। एंड देन 2023 के शुरू में जनवरी में जो ओडीआई सीरीज खेलने आई थी न्यूजीलैंड की टीम, उस टीम के 9 प्लेयर्स इस टीम में मौजूद हैं। ये पॉइंट यहाँ क्लियर करना जरूरी है। एंड देन प्लेयर्स पे अगर हम बात करें तो टॉम लैथम जैसे मैंने जिक्र किया, देन टॉम ब्लेंडर, चैट बोविस, मैट हेनरी फास्ट बॉलर है, काफी एक्सपीरियंस है इनके पास, बेन लिस्टर हैं, उसके बाद कोहली मैकॉन्ची हैं, देन एडम मिल हैं, ये भी काफी सीनियर प्लेयर हैं, देन उसके बाद डेरियल मिचेल हैं, ये भी काफी सीनियर प्लेयर हैं, जिमी निशम, ये 2019 के वर्ल्ड कप की टीम में भी थे, एंड देन मैट हेनरी भी उस वर्ल्ड कप में खेले थे, लेकिन जिमी निशम भी उस टीम में थे, फाइनल भी खेले थे रिसेंटली। जिमी निशम पेशावर जमी के लिए खेल के गए हैं, PSL में एक मैच में काफी अच्छा फिनिश भी किया था उन्होंने, आई थिंक कराची के अगेंस्ट। देन हेनरी निकोलस हैं, हेनरी निकोलस उनके मिडल ऑर्डर में खेलते हैं और काफी अच्छे प्लेयर है, काफी स्टाइलिश प्लेयर है, काफी एक मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथ ऑन करने वाले प्लेयर हैं। देन रिचर्ड रविंद्रा है, रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू किया है। देन हेनरी शिपले हैं, काफी अच्छे प्लेयर हैं, ये भी इनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी है। एंड देन उसके बाद इस सोडी है, सॉरी रिसेंटली भी खेल के गए थे और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, बैटिंग से भी बहुत अच्छी रही थी, आई थिंक एक मैच में उन्होंने 50 भी कर डाली थी। तो इस सॉरी बहुत ज्यादा यूटिलाइजेबल प्लेयर हो सकते हैं, बिल्कुल शादाब और उसामा मीर टाइप प्लेयर हैं। देन ब्लेड टिकनर है, एंड देन लास्ट वन विल यंग, न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा यंग है, बहुत ज्यादा न्यू ब्लड उनके पास इस टीम में नजर आ रहा है, मेन प्लेयर उनके नहीं है, तो वो भी देखें। पाकिस्तान टीम तो फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड से जा रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो ताकि देखते हैं कैसा एक अच्छे मैचेस होंगे। देखें ओडीआई सीरीज है, आपको 5 मैचेस पाकिस्तान के पास भी अवेलेबल है, देन 3 अफगानिस्तान के पास है, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप अपना बेंच स्ट्रेंथ भी ट्राई कर सकते हैं, अपने मेन प्लेयर्स को भी प्रैक्टिस का मौका दे सकते हैं, लेकिन देखें इस बार जीतना भी जरूर है, अफगानिस्तान की तरह हार के नहीं आ जाना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने बांधो हमें, याद रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। मन करी शुक्र दोस्तों।